हेलो वेलकम टू बैम्बॉक्स यात्रा। इस वीडियो में है 20 एमसीक्यूज, ऑल आर फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 5 ए कोर्स। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम के ये चैप्टर है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आप ये देख सकते हैं ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो अभी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1। म्यूचुअल फंड मोबिलाइज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डैश। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, ये किस फॉर्म में एस्टेब्लिश्ड होता है? ऑप्शन आर हियर। म्यूचुअल फंड्स एक ऑब्जेक्टिव के साथ डिफरेंट एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। म्यूचुअल फंड का मेन एम है इन्वेस्टर्स को लाभ पहुंचाना। म्यूचुअल फंड्स एक ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश्ड होते हैं एंड आर गवर्न्ड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट। एवरी ट्रस्ट हैज बेनिफिशियरीज। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टेब्लिश्ड होता है। हर ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिशियरीज कौन है? ऑप्शंस आर हियर। एक और मोर स्पॉन्सर्स मिलके म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते हैं। दे आर द मेन पर्सन बिहाइंड म्यूचुअल फंड बिजनेस। एएमसी म्यूचुअल फंड का डे टू डे मैनेजमेंट संभालता है और इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The appointment of an AMC can never be terminated. State whether this statement is true or false. AMC की appointment को कभी भी terminate नहीं किया जा सकता है। ये statement सही है या गलत? ट्रस्टीज के बहुमत या 75% ऑफ इन्वेस्टर्स कंसेंट एएमसी की अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। बट एनी चेंजेस इन केस ऑफ एएमसी सब यूनिट होल्डर्स और सेबी के अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स ऑफिसेस आर द ऑफिसेस ऑफ डैश। मोस्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स किसके ऑफिस होते हैं? आरटीएस इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंटेशन को संभालता है और इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आरटीएस के ऑफिसेस इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स के रूप में एक्ट करते हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन। डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय हुम। म्यूचुअल फंड का डे टू डे मैनेजमेंट कौन नियंत्रित करता है? ऑल द ऑप्शंस आर हियर। हमने सीखा है कि आरटीए इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मेंटेन करती है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की रोल है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम सेल करना। डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज मॉनिटर्ड बाय एएमसीज। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी,
only 2. Next question. Sponsors apply to SEBI for the registration of mutual fund. Identify the other key constituents of mutual fund. Sponsors mutual fund ke registration ke liye SEBI ko abedan karte hai. Sponsor is one of the main constituents of mutual fund. Inme se mutual fund ke other constituents kon hai? All the options are here. तो एक बार देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सपोर्टिंग सर्विस को. तो इसमें स्पॉन्सर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कस्टोडियन, इन सब है म्यूचुअल फंड्स के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और सपोर्टिंग सर्विस में आता है फंड अकाउंटेंट, रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंसी, ऑडिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंकर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, वैल्यूएशन एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, डिपोजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड AMC कस्टोडियन, इन सब है म्यूचुअल फंड का की कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ए की रोल इन सेलिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स. Distributors are registered with which agency? Mutual fund scheme sell करने में distributors की important role होती है. कौन सी agency distributors को register करती है? SEBI is the regulatory body for securities and commodity market in India. Mutual fund की asset custodian के पास रहती है. PFIDA is the regulatory body of pension fund. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को NISM 5A एग्जाम पास करने की जरूरत है. एंड MP रजिस्टर्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, MP. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AMC आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ डैश. AMC के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को कौन अप्रूव करता है? ऑप्शन आर हियर. AMC के डायरेक्टर होने के लिए SEBI के कुछ गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया है. डायरेक्टर्स को एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस. इमोरालिटी विल बी ए नेगेटिव पॉइंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर. डायरेक्टर्स को किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस और लॉ वायलेशन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए. ट्रस्टी सभी पॉइंट्स की जांच करने के बाद AMC के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल देते हैं. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रस्टी. MP ना तो एक रेगुलेटरी बॉडी है और ना ही एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. यह स्टेटमेंट सही है या गलत? MP म्यूचुअल फंड फील्ड में एक इंडस्ट्री मानक संगठन है. द ऑर्गेनाइजेशन का एम है म्यूचुअल फंड मार्केट में एक एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ म्यूचुअल फंड मार्केट का इम्प्रूव करना. ये ना तो एक नियामक संस्था है और ना ही एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. AMC मैनेजेस द स्कीम्स एंड मॉनिटरिंग डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड. Which of the constituents of mutual fund is appointed by trustee to held the asset of mutual fund? AMC mutual fund ka day to day management and monitoring karta hai. Kaun sa constituent trustee dara appoint ki jati hai mutual fund ka asset rakhne ke liye? हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड के लिए स्पॉन्सर्स SEBI में अप्लाई करते हैं और AMC की कैपिटल में इन्वेस्ट करता है. रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंसीज इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. फंड अकाउंटेंट्स NAP की कैलकुलेशन करते हैं.
कस्टोडियन म्यूचुअल फंड की एसेट को अपने पास रखता है और म्यूचुअल फंड स्कीम की ओर से सभी ट्रांजैक्शन का सेटल करता है, और ये कस्टोडियन ट्रस्टीज द्वारा अपॉइंट की जाती है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, कस्टोडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस आर हियर, तो हम लोग सभी स्टेटमेंट देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम और एएमसी के लिए अकाउंटेंट के ऑडिटर अलग अलग होना चाहिए। ट्रस्टीज म्यूचुअल फंड स्कीम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, एएमसी ऑडिटर एएमसी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एएमसी आरटीओ को अपॉइंट नहीं भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ आरटीए इज नॉट मैंडेटरी। एएमसी आरटीए की ऑपरेशन इन हाउस कर सकती है। फंड अकाउंटेंट नैप की कैलकुलेशन करता है। एएमसी कैन डू फंड अकाउंटिंग एक्टिविटी इन हाउस और मे एंगेज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें देखा गया कि इनमें से सभी स्टेटमेंट गलत है, कुछ भी सही नहीं है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो सभी रोल है ये कौन परफॉर्म करता है? एएमसी के लिए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट तैयार करना जिसमें एएमसी के फंक्शन को क्लियरली मेंशन करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन की रिव्यू करना ऑन क्वार्टरली बेसिस, इन्वेस्टर्स की कंप्लेन की पीरियोडिक रिव्यू करना, सेबी को हाफ ईयरली रिपोर्ट दाखिल करना, ये सभी है ट्रस्टीज की राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज मेड बाय द स्पॉन्सर्स, देयर आफ्टर द स्पॉन्सर्स इन्वेस्ट्स इन द कैपिटल ऑफ द एएमसी, द स्पॉन्सर शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन डैश इयर्स। म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट तैयार करने के लिए स्पॉन्सर्स सेबी में अप्लाई करते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद एएमसी के कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल बिजनेस में स्पॉन्सर्स को मिनिमम कितने साल होना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बट द मेन पॉइंट इज दैट फाइनेंशियल बिजनेस में स्पॉन्सर्स को मिनिमम कितने साल होना चाहिए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का भी सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन सर हियर, the sponsor should be carrying on business in financial services for not less than 5 years. Sponsors के पास पिछले सभी years में positive net worth होना चाहिए। पिछले 5 years में से 3 years में sponsors को profit earn करना चाहिए। The last year means latest year shall be one of the profit earning years. तो इसमें सही answer है option A, 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स नीड टू अपॉइंट एटलीस्ट डैश नंबर ऑफ ट्रस्टीज, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी कंपनी द नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड शुड बी डैश। म्यूचुअल फंड के लिए कितने नंबर में ट्रस्टी अपॉइंट किए जाने चाहिए? ट्रस्टी कंपनी अपॉइंटमेंट मामले में बोर्ड में डायरेक्टर्स की नंबर कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सर हियर, स्पॉन्सर्स को कम से कम 4 ट्रस्टी अपॉइंट करने होंगे।
अगर किसी ट्रस्टी कंपनी को अपॉइंट किया गया है तो उस कंपनी के बोर्ड में कम से कम 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट -% ऑफ द एएमसी डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉट एसोसिएटेड विद स्पॉन्सर्स, ट्रस्टी और एनी सब्सिडियरीज। एएमसी डायरेक्टर्स में से कम कितना परसेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए? एएमसी के कम से कम 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्पॉन्सर्स और ट्रस्टी के एसोसिएट नहीं होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्पॉन्सर्स या ट्रस्टीज की किसी भी सब्सिडियरीज के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Whose job is to track the various corporate actions like a bonus, dividend or right issues in companies where the mutual fund scheme has invested? Mutual fund different companies, different sectors में invest करता है। Corporate actions जैसे कि dividend, bonus, right issues, इन सब को track करना किसका काम है? Options are here. कस्टोडियन म्यूचुअल फंड के एसेट को अपने कस्टोडी में रखता है। एक कस्टोडियन कोई भी एसेट इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना ये सुनिश्चित करता है। म्यूचुअल फंड जहां इन्वेस्ट किया है उन कंपनियों में डिविडेंड, बोनस ये सब भी कस्टोडियन ट्रैक करता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्टोडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The AMC needs to have a minimum net worth of ₹10 crores. AMC का minimum net worth कितना होना चाहिए? Options are here. AMC की minimum net worth 50 crore होनी चाहिए। तो the सही answer is option A, 50 crores. Next question, in case of change in the fundamental attributes of any scheme, investors has the right to exit from the fund without paying any exit load. State whether it is true or false. किसी भी स्कीम की फंडामेंटल एट्रीब्यूट में चेंज होने से इन्वेस्टर्स को बिना किसी एग्जिट लोड के फंड से एग्जिट करने का राइट रहेगा, यह सही है या गलत? इन दिस केस हर यूनिट होल्डर्स को एक रिटेन कम्युनिकेशन भेजी जाती है, एक नोटिस दिया जाता है इन द न्यूज़पेपर विथ नेशनल सर्कुलेशन, और यूनिट होल्डर्स को बिना किसी एग्जिट प्लॉट का स्कीम से एग्जिट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेट्स डेट सिक्योरिटीज सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स एटसेट्रा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड जैसे डेट सिक्योरिटीज को कौन एजेंसी रेटिंग देता है? ऑप्शंस आर हियर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि क्रिसिल, केआर, आईसीआरए, स्मेरा डेट सिक्योरिटीज का इवैल्यूएशन करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की एक इम्पोर्टेंट रोल होती है डेट म्यूचुअल फंड में, और फंड मैनेजर्स इस रेटिंग को अहम मानते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय।
तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द एसोसिएशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, सभी रजिस्टर्ड AMCs का एसोसिएशन क्या है? ऑप्शंस आर हियर, एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, सभी रजिस्टर्ड AMCs का एसोसिएशन है। तो द सही आंसर इज ऑप्शन डी, एमफी। यही थे 20 MCQs फ्रॉम चैप्टर 3। होप इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न एंड हेल्प यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।